हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बैड होने वाली है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, 19 मार्च 2022 को जब BTS मेंबर्स वी लाइव पे लाइव आए हुए थे, तब BTS मेंबर्स ने साउथ कोरिया में कोविड केस पे डिस्कशन किए थे एंड वहाँ पे नैमजून ने ये भी बताए थे कि उनकी फैमिली में सभी कोविड पॉजिटिव है। एंड नैमजून ने वहाँ पे इस चीज़ को भी रिवील किए थे कि जो उनके डैड है ना, उनको नैमजून से ही कोविड हुआ है। एंड वहाँ पे RM ने अपने पापा से सॉरी भी बोले थे। एंड गाइस, इतना ही नहीं, वहाँ पे शुगा ने भी बताया कि उनकी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव है। ओके, एंड यहाँ पे ना जितने भी BTS मेंबर्स थे, उन सभी ने सभी आर्मीज को बोला है कि अपना ख्याल रखें। एंड गाइस, आपने वी लाइव में ये भी देखा होगा कि जे होप कितना ज़्यादा लाइक वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। एंड जे होप को आपने देखा होगा कि वो मतलब आंखों आंखों से आमिर से बहुत ही ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रहे थे एंड कॉन्टिन्यूसली वो कैमरे में ही देखे जा रहे थे। ओके, एंड मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो तयोंग है, नैमजून है, शुगा है ना, एंड जिन है, एंड जिमिन, ये लोग भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। एंड जैसे ही इन लोगों ने रिकवर कर लिया था, मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया था। ओके, तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। वेल गाइस, व्यूअर्स पे एक अनाउंसमेंट हुआ है, जिस अनाउंसमेंट में जे होप के बारे में बताया गया है कि 23 मार्च 2022 को जे होप को अपने गले में खरास सी फील हुई। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने अपना PCR टेस्ट करवाया एंड उनमें ना कुछ असाधारण से सिम्टम्स जब उनको फील हुआ, जब उन्होंने PCR टेस्ट करवाया, तो जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो 24 मार्च मॉर्निंग में, यानी कि आज के दिन आया है, 24 मार्च 2022 को। एंड जिसमें जो जे होप है उनका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया है। आगे व्यूअर्स, अनाउंसमेंट में बताया गया है कि ना जो जे होप है उन्होंने अपने तीनों राउंड कोविड वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लिए हैं एंड कोई भी असाधारण से सिम्टम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम्स जे होप में नहीं दिखाई दिए। यू नो, बस गले में खरास सी ही उनको फील हुई। एंड जे होप का जो इलाज है ना, वो उनके घर पे ही चल रही है एंड इस समय पे जे होप क्वारंटीन है। ओके, एंड आप जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, जितने भी आर्मीज है, सभी का एक ही विश है कि गेट वेल सून जे होप। एंड जे होप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे गाइस। इससे पहले भी BTS मेंबर्स को कोविड हुआ है एंड उन लोगों ने सक्सेसफुली रिकवर्ड कर लिया है, बिकॉज जो आर्मीज है उनकी दुआएं BTS मेंबर्स के साथ है एंड जे होप के साथ भी है। एंड जे होप ने अभी रिसेंटली जो सोल में कॉन्सर्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे एंड अभी जो USA में कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेल गाइज, आप लोग जे होप के लिए दुआएं कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी। बाय बाय, टेक केयर।